4 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पहुंच गए दिल्ली के एयरपोर्ट पे। ये शटल बस आ गई है, ये हमें लेकर के जाएगी टूवर्ड्स फ्लाइट। ये जगमगाती हुई लाइटें कहीं पे भी अंधेरे का एहसास नहीं कराती है एयरपोर्ट पर। फ्लाइट में बैठ चुके हैं और ये हमें 2 घंटे के अंदर चेन्नई एयरपोर्ट पर उतार देगी। आपका स्वागत है, कृपया अपनी सुरक्षा के लिए हमारा 2 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चेन्नई का एयरपोर्ट, चेन्नई के एयरपोर्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है, राइट में कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ मूर्तियां लगाई हुई है। देखते हैं फ्लाइट कब स्टार्ट होती है यहाँ से। इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स पे मैंने अभी तक विजिट किया है, वो एयरपोर्ट उस स्टेट की कहीं ना कहीं छवि दिखाते हैं। इसी तरीके से चेन्नई का एयरपोर्ट भी है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है कि चेन्नई के लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ के जो कल्चर क्या है। एयरपोर्ट की शॉप्स पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कितने एंटीक पीस रखे हुए हैं, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, गणेश जी की, बुद्ध की, शिव जी जी की। यहाँ पर कुछ कोट्स लगे हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के और दलाई लामा के। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो गांधी जी के नॉन वायलेंस विचारधारा है उसको बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो नॉन वायलेंस का विचारधारा थी वो पहले भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, उसकी विचारधारा आज भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है। हमारे पास 3 घंटे हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ करने के लिए। आइए आओ। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी परी परी। एयरपोर्ट पर ये कुछ रंग बिरंगे खिलौनों की दुकान है, टॉयज की, कलरफुल टॉयज की शॉप्स है यहाँ पर। यहाँ पर और भी शॉप्स बनी हुई है यहाँ पर। देखेंगे आप, यहाँ पर शॉप बनी हुई है, यहाँ पर कुछ गॉड्स की मूर्तियाँ रखी हुई है, भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, शिव भगवान की, बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की, शिव जी जी की, गणेश जी की। जाए पर वजन ना जाए, वाह क्या कोट है। एयरपोर्ट पे घूमते हुए मुझे एक बच्चा मिला, ये इसके पिताजी, ये दोनों जो है यूके से आए थे, और इस बच्चे का नाम है क्विंट। इस बच्चे को मेरी डॉक्टर की जो उसकी पर्स है वो बहुत पसंद थी। एयरपोर्ट पर हम कुछ खाना खा रहे थे, तो बार बार जो कबूतर हैं वो हमारी तरफ आ रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हमको कुछ ऑफर कर दें, देखते क्या करते हैं। जैसे हमने उनको ऑफर करा, तो पहले एक कबूतर आया, फिर 2 आया 3 आया 4 आए, फिर देखते देखते इतनी सारी भीड़ लगी कबूतर की, वो सारा का सारा खाना बिल्कुल चट कर गए। देखिए आप,
लगता है इन कबूतर को घर का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद आया। देखिए फटाफट खा रहे हैं, कहीं इनका कोई खाना मिस ना हो जाए, एक दूसरे खाना छीनने की कोशिश करें ताकि फटाफट इनका खाना जो है फिनिश हो जाए। दो घंटे का सफर हो रहा है यहाँ से दोबारा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के, दो घंटे का सफर हो रहा है। फाइनली हम बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर चेन्नई एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के लिए। ये हमें दो घंटे के अंदर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा देगी। जब मैं फर्स्ट टाइम पोर्ट ब्लेयर जा रहा था तो मेरे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट विचार आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे कि हम वहाँ पर उतरेंगे तो क्या आसपास कोई ड्राइव होगी जो हमें पकड़ लेगी। कैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, क्या हमें ट्राइब्स पकड़ लेंगे, हमें पकड़ कर जंगल ले जाएंगे, क्या होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग, खाना कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमें सी फूड खाना पड़ेगा। जनरली जब भी कोई मुझसे पूछता था कि कहाँ जा रहे हो तो हमें कहता था काला पानी की सजा हुई थी, हम वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए रश ग्रीन आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर, उसके ऊपर बादल है, उसके ऊपर फिर आसमानी कलर है। यहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, कोई बड़े आइलैंड है, कोई छोटे आइलैंड है, और कई आइलैंड के अंदर कोई ना कोई ट्राइब्स रहती है। यहाँ पर कोई ख़तरनाक ट्राइब्स है, कोई ऐसी ट्राइब्स भी है जो थोड़ी सिविलाइज हो गई है या जिनका थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन ह्यूमन के साथ रहता है। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं यहीं पर ही ट्राइब्स रहती है, काफ़ी ट्राइब्स हैं, काफ़ी आदिवासी लोग हैं जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है हम लोगों से। अंडमान निकोबार में काफ़ी खतरनाक ट्राइब्स भी रहती हैं, कुछ खतरनाक आदिवासी भी रहते हैं। मुझे एक घटना भी याद आ रही है, कुछ टाइम पहले एक अमेरिकन नागरिक जिसका नाम शायद चाऊ था, उसने एक आइलैंड जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड में जाने की कोशिश करी थी और वो वहाँ जा कर के मारा गया था, क्योंकि जो वहाँ के जो ट्राइब्स है आदिवासी है वो बिल्कुल भी डिस्कनेक्टेड हम लोगों से। तो और जैसे ही वहाँ पर उसने कोशिश करी तो वो वहाँ जाकर के मारा गया। तो काफ़ी स्टोरीज पढ़ने को मिलती है वहाँ पे आइलैंड्स है ऐसे, देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं वहाँ पर जाकर के हमारे। क्या नज़ारा है, बिल्कुल ग्रीनरी है, उसके ऊपर से बादल हैं, साइड में पूरा समुद्र है। ये पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ब्लेयर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आइलैंड बिल्कुल ग्रीनरी, ऊपर से बादल जा रहे हैं, उसके ऊपर से हमारा फ्लाइट जा रही है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आदिवासी होगा जो कहीं शिकार कर रहा होगा। पे भी एक अलग व्यू आता है, जब दिल्ली सिटी को फ्लाइट से देखते हो तो चमचमाती हुई लाइटें दिखाई देती हैं, आर्टिफिशियल लाइटें चमचमाती हुई दिखाई देती हैं, बट यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल लश ग्रीन, अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, एक अलग तरह का ही एक सीनरी निकल करके आती है। पहुंच चुके हैं, साइड में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं ब्लू कलर के, ये समुंदर है। तो ये तो हम सिटी के पास पहुंच चुके हैं, ये तो श्योर हो चुका है, क्योंकि अब जो है ट्राइब्स से काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं, कहीं जो ट्राइब्स से पीछे छूट गए होंगे, पर ये अब जो हम पहुंच चुके हैं सिटी है। यहाँ देखिए मकान बने हुए हैं जहाँ पे लोग काफ़ी पब्लिक है। इस चीज़ का मुझे फर्स्ट टाइम मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने लोग भी रहते होंगे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के अंदर, कितनी पब्लिक है यहाँ पर भी। अब हमारी फ्लाइट कुछ ही देर के अंदर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी वर्जित है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं करी है। ये मैं बाहर आ चुका हूँ, पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं।